खबर कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ से, जहां की ग्राम पंचायत तरबहरा के आश्रित ग्राम बेरागी में हर साल की तरह इस साल भी अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता होली के दूसरे दिन बैरागी गांव में कई जाती है, जिसमें मछली केकड़ा के साथ मुर्गा और गिलहरी पकड़ने की प्रतियोगिता होती है, जिसके बाद सभी ग्रामीण मिलकर फागुआ गीत गाते हैं और खाना खाते हैं। जब खूंटा काटिस दाव तब करे पुराना पहले बसीन बसिंदा तब से ये काम हमारा चालू है। क्या क्या होता है इसमें? इसमें महिला लोग केकड़ा मछली और पुरुष लोग खरहा खरगोश। किस लिए किया जाता है ये? मनोरंजन कर लिए। कहा है कि होली के दूसरे दिन मतलब यहाँ का एक कार्यक्रम होता है, धूल उड़वाने के बाद सब गांव वाले मतलब चल देते हैं जंगल में खरगोश के लिए, जो पुरुष वर्ग के हैं, है ना, और महिलाएं सब एकदम चल देती हैं नदी में केकड़ा मछली पकड़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ ये भी मैं बताना चाहता हूँ, कहा कि मैं यहाँ जो 50-60 साल के जो सियाने हैं उनसे भी चर्चा किया हूँ, वो भी यहाँ का उत्पत्ति को नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ है कैसा है। लेकिन वास्तव में वो लोग मतलब यही है कि जब से हम लोग जानने लायक हुए हैं तब से ये परंपरा हम लोग का चलते आ रहा है। गांव वालों के जानकारी के अनुसार ये परंपरा है इनकी गांव की, ये आश्रित ग्राम है, ग्राम पंचायत तारा बहरा का ग्राम बैरागी। इनका एक परंपरा है कि होली के बाद सारा गांव एक जगह इकट्ठा होगा, केकड़ा दौड़, मछली दौड़ और मुर्गा दौड़, गिलहरी दौड़, खरगोश दौड़, ये प्रतियोगिता के बाद जो जीतता है मतलब जो विजेता उपविजेता का खिताब मिलता है, उसके बाद सारा गांव बैठ के भोजन करते हैं सामूहिक रूप से, रंग गुलाल खेलते हैं, फाग गीत गाते हैं, उसके बाद लोग अपने अपने घर जाते हैं।